हाय, वेल्कम बैक टू द अल्टीमेट HTML एंड CSS कोर्स। चलिए हम लोग आज कोड करते हैं अपना फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। यस, तो कोड करने से पहले मैं कुछ जो फाइल्स बनाऊंगा, जो भी अपना HTML डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उनको एक सेपरेट जगह पर बनाऊंगा, सेपरेट एक फोल्डर में बनाऊंगा, वहां से हम लोग कोड कर रहे होंगे। यस, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ। इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, ये यहाँ आ गया, ठीक है, रीनेम कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट। फाइन, इस वेब डेवलपमेंट फोल्डर को अब मैं कहाँ खोलूँगा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। और क्यों खोलूँगा, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं फाइल्स बनाऊँ, जो भी मैं कोड करूँ, सब हमारा जो भी फाइल्स बने वो वेब डेवलपमेंट इसी फोल्डर में बने। तो इसको खोलने के लिए अलग अलग तरीके हैं, है ना। पहला तरीका ये है कि आप क्या करें, VS कोड एडिटर, यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड ये जो है आपका VS कोड, ये खोल लें। अब ये VS कोड हमारा खुलेगा और जस्ट वेट कर लेते हैं ये। हाँ, चलिए खुल गया। अब फाइल मेन्यू में जाएंगे और देखिए यहाँ पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन आएगा, है ना। ये रहा ओपन फोल्डर, मतलब फोल्डर को ओपन करें। तो हमने ओपन फोल्डर करा, अब उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर हमारा फोल्डर अवेलेबल हो। तो मेरा फोल्डर कहाँ अवेलेबल है, डेस्कटॉप पर और वेब डेवलपमेंट पर। आपको वहीं जाना है जहाँ आपने एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर को खाली सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही एक सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करेंगे, देखिए ये खुल रहा है। यहाँ पर देखिए, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ पार्ट छिप रहा है, कुछ हाइड हो रहा है, कुछ शो हो रहा है, राइट, टॉगल हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो गेट स्टार्टेड है, इस पर मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ये सेक्शन बंद हो जाए। अब हमारा एक्सप्लोरर जो है, यहाँ से हम देख सकते हैं अभी ये वेब डेवलपमेंट, देखिए इसके अंदर ये फोल्डर है हमारा, ठीक है। ये फोल्डर मेरा मतलब एक्सपैंड हो रहा है और ये रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपैंड हुआ है, मतलब जो भी फाइल्स होंगे अभी यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी फोल्डर में कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर आप आएँ और इस फोल्डर को खोलें, मिनिमाइज करके देखें, अगर आप इस फोल्डर में, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, तो ये फोल्डर हमारा कुछ भी नहीं है, राइट। अब ये फोल्डर अगर हमारा खाली है, बिल्कुल ब्लैंक सा है, तो मैं इसमें अगर कोई भी फाइल यहाँ से बनाना है, तो मैं देखिए यहाँ पे प्लस बटन है ना, न्यू फाइल, ये है एक फोल्डर। इसी फोल्डर के अंदर आपको अगर एक नया फोल्डर बनाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, और अगर मुझे कोई नई फाइल्स बनानी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो ये न्यू फाइल वाले पर क्लिक करूँगा, तो देखिए मुझसे एक नाम मांगेगा एक नए फाइल का। तो मैं देता हूँ sample.txt, मतलब ये नोटपैड का टेक्स्ट फाइल हो गया, ठीक है, sample.txt फाइल। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए खुला हुआ है ना। अब मैं इस पर कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी टेक्स्ट, दिस इज सैम्पल टेक्स्ट फाइल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, बट मैंने एक सेटिंग कर रखा है कि मैं माउस से ऐसे जूम करूँगा तो ये भी जूम हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं बता दूंगा आपको इसको कैसे सेट करना है, पहले ये फर्स्ट वीडियो, तो यहाँ पर आराम से हम लोग देख लेते हैं। तो ये दिस इज सैम्पल, कंट्रोल एस करेंगे तो सिंपल ये सेव हो जाएगा। अब अगर मैं मिनिमाइज करूं, वेब डेवलपमेंट फोल्डर को खोलूं, तो देखिए क्या आपको दिख रहा है, sample.txt। इसको डबल क्लिक करेंगे तो क्या नोटपैड का फाइल एक बन गया, डेफिनेटली। तो इस तरीके से आपका एक फाइल बन जाएगा, पर हमें क्या कोड करना है, HTML, राइट। तो मैं इसको कर लूँगा डिलीट, है ना, मैं इसको डिलीट करता हूँ, हटाइए यहाँ से। अब आते हैं थोड़ा अपने VS कोड एडिटर में। फोल्डर तो हमारा खुला हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये अब है नहीं, वो मैंने क्लोज किया तो खत्म हो गया। यहाँ से देखिए क्या है, sample.txt नहीं है। यहाँ पर मुझे एक HTML फाइल बनाना है ना, मुझे एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना है। तो सबसे पहले हम कहाँ कोड करेंगे ये समझते हैं। तो हम कोड करेंगे एक HTML डॉक्यूमेंट में, एक HTML का पेज रहेगा, वहाँ पर हम लिखेंगे कुछ टेक्स्ट फाइल्स, एक टेक्स्ट फाइल रहेगा जहाँ पर हम लिख रहे होंगे, राइट। तो इस टूल का प्रयोग करके, इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके, विजुअल स्टूडियो कोड का प्रयोग करके, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस फोल्डर में प्लस करूँगा और प्लस न्यू फाइल में यहाँ पर लिखूँगा index.html। HTML क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है। HTML इज़ व्हाट, एक्सटेंशन नेम फॉर HTML डॉक्यूमेंट। ओके, अब ये क्या हो गया, मेरा एक HTML का डॉक्यूमेंट बन के रेडी है, पर अभी इसमें कोई कोड नहीं लिखा हुआ है। फाइन, क्लियर, समझ में आ रहा है, इसमें कोई कोड नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर मिनिमाइज करके दिखाऊँ वेब डेवलपमेंट को खोल करके, तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली index.html होगा। अब मैंने नाम index.html क्यों लिया, क्योंकि देखिए index.html, इंडेक्स एक ऐसा नाम है जो पब्लिक, जो होम पेज होता है किसी वेबसाइट का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। इसलिए मैंने इसका नाम index.html रखा। आप कुछ भी रख सकते हैं, a.html, y.html, ankit.html, priya.html, divya.html, amit.html, whatever you want,
फाइन, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो हमने यहाँ रखा, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये बस इंडेक्स एक ऐसा नाम होता है जो पब्लिकली अवेलेबल होता है इंटरनेट पर आपका होम पेज के लिए। किसी भी वेबसाइट का एक होम पेज होता है, मतलब किसी भी वेबसाइट का अगर आप www.google.com खोले तो जो आपको फ्रंट पेज दिख रहा है वो उसका होम पेज दिख रहा होता है। तो एक्चुअली index.html उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए हमने index.html लिख दिया। अब सेम index.html को मैं नोटपैड से भी बना सकता था, बट आजकल ज़माना है हमारा VS कोड एडिटर को सीखने का, यहीं कोड करेंगे, यहीं समझेंगे, ठीक है। तो नोटपैड में आप बना के ट्राई कर सकते हो, बट क्यों ही करना जब हमारे पास VS कोड एडिटर है। तो फाइन, अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर आराम से प्रेम से यहाँ क्या लिखेंगे, एक कोड लिखेंगे नॉर्मल सा HTML पेज के लिए, हमारे एक वेब पेज के लिए। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इस पेज में ऐसे HTML, ठीक है, मैंने लिखा HTML, फाइन, डेट्स इट, HTML लिखा। अब देखिए ये HTML ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग हुआ, खुद से हो गया, जैसे मैंने इंटर लिया है ना, देखना ध्यान से, मैंने लिखा HTML। अब मैं इसको बंद करता हूँ, तो ये देखो मेरा ओपनिंग टैग भी आ गया खुद से और क्लोजिंग टैग भी आ गया, यस और नो? तो मेरा ओपनिंग टैग भी आया और क्लोजिंग टैग भी आया। तो यही खासियत है इस VS कोड का, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना, आपको बस समझ में आ जाएगा चीज़ें आराम से और आप कोड भी कर लोगे। तो मुझे सबसे पहले कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है HTML, डेफिनेटली इस तरीके से HTML आप लिखते हो HTML। नाउ यहाँ पर आप क्या लिख रहे होते हो, हेड, ठीक है, आपने लिखा हेड। अब इस हेड के अंदर आप लिखोगे टाइटल। अब ये टाइटल क्या होता है मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा टाइटल माई फर्स्ट वेब पेज एंड सेव इट। मैंने कहा माई फर्स्ट वेब पेज एंड सेव इट, मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब वेब डेवलपमेंट में तो एक फाइल हमारा बन ही गया होगा, है ना, index.html। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। एंड आप यहाँ पर जो टैब है उसका टाइटल देखिए, क्या ये वही है माई फर्स्ट वेब पेज? अगर मैं आपको यहाँ पर गूगल खोल करके दिखाऊँ, कॉम, अगर मैं यहाँ से google.com खोलता हूँ तो यहाँ सिर्फ गूगल लिखा हुआ है, राइट। अब ये पिक्चर का छोटा सा आपको फोटो दिख रहा होगा, ये फोटो कैसे लगता है वो भी हम देख रहे होंगे ऑफकोर्स, बट अभी देखते हैं कि ये जो नाम है ना गूगल कैसे आया होगा। तो क्या इसके HTML में ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा गूगल ऐसा करके, है ना, इसको सेव करते हैं। अब जब मैंने सेव किया तो देखिए यहाँ पर तो बदला नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश मैंने किया तो गूगल आ गया, राइट, डेफिनेटली आया। पर इसी काम को आसान करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो VS Code Editor है इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब इस ओपन विथ लाइव सर्वर पर मैं जैसे ही क्लिक कर दूँगा ना, अब देखिए यहाँ पर ये जो index.html खुला हुआ, यहाँ पर एक URL के साथ खुल रहा है, एक पोर्ट नंबर के साथ। अब इसको भूल जाइए कि ये क्या लिखा हुआ है, अभी इसको नहीं ध्यान देते हैं कि इसका मतलब पूरा का पूरा क्या है। अभी ये समझते हैं कि हमें एक लाइव वेबसाइट मिल गई है, एक लाइव ऐसा वेबसाइट मिल गया है, एक URL मिल गया है, है ना, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक URL मिल गया है, जिसकी मदद से हम अपने ही सिस्टम में, बस अपने सिस्टम में, इंटरनेट पर नहीं, बस हमारे अपने कंप्यूटर में ये काम करेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं तो index.html हमारा काम कर रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पर गूगल है, यस डेफिनेटली है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, लेट से मैं करता हूँ माई वेब पेज, ठीक है, अब ये मैंने किया माई वेब पेज, मैंने डायरेक्ट कंट्रोल एस प्रेस किया, राइट। अब जब मैंने कंट्रोल इस पर प्रेस किया तो देखिए मुझे रिफ्रेश करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कोई रिफ्रेश नहीं बटन दबाया और यहाँ पर माय वेब पेज ये खुद से चेंज हो गया। क्या आप इतना कर लेंगे? यस डेफिनेटली करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक हेडिंग लिखूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं जो भी HTML का काम होगा मैं बॉडी टैग के अंदर लिखूँगा, इस बॉडी टैग में आ जाऊँगा और क्या लिखूँगा, हाय आई एम लर्निंग HTML, बस इतना लिखूंगा अभी एंड सेव कर लूँगा। अब मैंने सेव किया तो मुझे दोबारा से बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्रोम में जाऊँगा फिर से वापस, एक क्रोम हमारा मिनिमाइज था ना, हाँ ये क्रोम है। क्या यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, हाय आई एम लर्निंग HTML, यस, क्या आ रहा है, हाय आई एम लर्निंग HTML, ये मैंने जूम करके आपको दिखाया है ना, आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम कोड कर रहे होंगे फर्स्ट हमारा, तो आप भी कोड करें, ठीक है, इतना करें,
एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद। ओके, आप समझ जाएंगे ये HTML होगा, ये टैग, ये क्लोज, जो टैग सबसे पहले खुलेगा वो सबसे लास्ट में बंद होगा, तो ये टैग हमारा है और ये टैग है, ठीक है। अब ये हेड टैग है, हेड टैग बस यहीं पे बंद हो जाता है, हेड के अंदर टाइटल हम लिख रहे होंगे, बॉडी के अंदर जो भी हम काम करेंगे सारा का सारा HTML बॉडी के अंदर काम करेंगे, फाइन। तो इतना आप लोग करें एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।